आईएनसी टीम की तरफ से आप सभी को नवरात्रे पे ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रे शुरू होते ही मन में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है और नवरात्रों में 9 दिन के व्रतों का तो बड़ा महत्व है। इनफैक्ट सही तरह से व्रत किए जाएं तो अपने इम्यून सिस्टम को रीबूट किया जा सकता है और बहुत सी बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सही तरह से व्रत करने का क्या मतलब है। तो बेसिकली व्रत ऐसा हो जिसमें ऑयली, मीठा और जरूरत से ज्यादा ना खाया जाए, बल्कि सात्विक भोजन लें। तो ऐसे व्रत से बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सकती है। और आज के टाइम में जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से लड़ रही है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करना तो बहुत जरूरी है। तो बस आज से हम शुरू कर रहे हैं कुछ ऐसी ही रेसिपीज की सीरीज, जिसमें व्रत के लिए कुछ रेसिपीज बनाएंगे जिससे आप भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकेंगे और कोरोना जैसी किसी भी बीमारी के लिए खुद को मजबूत बना सकेंगे। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एलोवेरा की जेल निकालने से। तो एलोवेरा को अच्छी तरह से धो लें, फिर इसको नीचे से कट करें और सीधा खड़ा करके 4-5 घंटे के लिए सिंक में या किसी बर्तन में रख दें, ताकि इसका येलो कलर का जेल पूरी तरह से निकल जाए। फिर अब एलोवेरा की साइड्स को कट कर लें और इसके छिलके को उतार लें। तो एलोवेरा का छिलका हमने उतार लिया है। देखिए, एलोवेरा के छिलके के नीचे इस तरह का एक व्हाइट कलर का जेल मिलेगा। इस जेल को एक ग्राइंडर जार में डालें और 1 मिनट अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। इससे हमें एलोवेरा का जूस मिल जाएगा। और यहाँ पर हम इस रेसिपी में 1 कप एलोवेरा का जूस यूज कर रहे हैं। तो 1 कप एलोवेरा का जूस हमने निकाल लिया है, इसे एक साइड में रख देते हैं। और अब एक मिक्सिंग बोल में 3 कप राजगिरी के आटे को छान लेंगे। राजगिरी का आटा जो बेसिकली व्रत में फलाहार की तरह से काम में लिया जाता है। तो 3 कप हमने आटा काम में ले लिया। इसमें हम मिलाएंगे 1/4 कप गाय का घी। गाय का घी बहुत फायदा करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि गाय का घी खाने से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है या बीपी हाई होता है, ये सब एक मिथ है। अगर गाय का प्योर घी है तो वो बहुत फायदा करेगा। तो 1/4 कप हमने घी डाला और घी डाल करके आटे में अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा एलोवेरा जूस डालेंगे और एलोवेरा जूस डालते हुए जैसे रोटी का आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त आटा हमें लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा एलोवेरा जूस डालते हुए एक थोड़ा सा सख्त आटा गूंथ लेंगे। तो इस तरह का आटा लगाने में 1 कप एलोवेरा में से 1 चम्मच एलोवेरा जूस बचा है। तो आटा तैयार है। इसमें अच्छी तरह से थोड़ा सा लोच दें, यानी इसे थोड़ा सा नीड करें और फिर 10 मिनट के लिए इसको ढक करके रख दें। फिर 10 मिनट बाद में आटे को एक बार और नीड कर लें और आटे में से थोड़ा थोड़ा सा आटा लें और इस तरह से मुट्ठी बना लें। तो सभी मुट्ठियां बन गई। इन्हें एक बेकिंग ट्रे में रखें और अब इनको हमें बेक करना है। फिर इन्हें बेक करने के लिए हमने कढ़ाई में रिंग रखी और उसको लिड से कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। इस कढ़ाई में हम इस बेकिंग ट्रे को रखेंगे और इसे ढक करके मीडियम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। 15 मिनट बाद में इनको हम पलट देंगे। तो देखिए, एक साइड से सिक गई हैं, इन्हें पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी सिक जाएं और फिर दूसरी तरफ से भी इन्हें 15 मिनट और बेक करेंगे और गैस को भी मीडियम ही रखेंगे। अब 15 मिनट बाद फिर चेक कर लेते हैं। इनका कलर देख करके पता चल रहा है कि अच्छी तरह से बेक हो गई हैं। इन्हें बेक करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है अगर इनका साइज थोड़ा बड़ा हुआ तो, या फिर गैस की फ्लेम पर डिपेंड करेगा कि इनको बेक करने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए आप मुट्ठियों का कलर देखें और ऊपर से अच्छे से बेक हो गई हो तब इन्हें कढ़ाई से निकालें।
तो चलिए अब इन मुट्ठियों को थोड़ा सा फोड़ करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएंगी तब इन्हें ग्राइंडर जार में डालेंगे और ग्राइंड कर लें। तो ये ग्राइंड हो गई हैं, अब इन्हें कढ़ाई में डालेंगे और थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप गाय का घी और मिलाएंगे और थोड़ा मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें और भून लेंगे। तो 5 मिनट हमने इसको भुना है, अब दोबारा इसको हम मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं। और इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालें और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करके या काट करके डालें। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, काजू, पिस्ता, अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें मिला सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर मीठा मिलाने के लिए इसमें 1 कप गुड़ डाल करके मिलाएं। गुड़ की क्वांटिटी हम कम मिला रहे हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें 1/2 कप गुड़ और मिला सकते हैं। फिर इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें से लड्डू बना लें। तो फलाहारी एलोवेरा के हेल्दी चूरमा लड्डू बनकर के तैयार हैं। डेली का 1 चूरमे का लड्डू आपकी सेहत का भी ध्यान रखेगा और व्रत में आपको एनर्जी भी देगा। तो चलिए आप व्रत में ये चूरमे लड्डू बनाएं और एलोवेरा के ढेरों फायदे पाएं। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें, साथ ही चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलें।